हे गाइस, फाइनली मुजफ्फरपुर का सारा काम हो गया, फेशियल चल रहे हैं, गांव ट्रेन से जाना है और इतना ज़्यादा भीड़ है ना टिकट लेने के लिए, क्योंकि विदाउट टिकट हम यात्रा नहीं करते है ना, पूरा भीड़ लेने का इतना लंबा लाइन है पूरा जनरल टिकट लेने का, देख रहे इसी में घुसा घुसी सब हो रहा है ना, 12:30 बजे ट्रेन है अभी 12:15, देखते हैं एकदम पूरा सब जल्दी जल्दी मिल जाए, घुसा घुसी नहीं करते हैं एकदम नॉर्मल में जैसे लेना है वैसे आराम से, 10 लोग मेरे से आ गए है ना, 10 लोग क्योंकि आपके पास में ही आ गए हैं यहाँ पे, बस जल्दी हो जाए और ट्रेन टाइम से रहे और कुछ नहीं चाहिए है कि नहीं, बाकी सब ठीक ठाक है भैया कहें पूरा है। सर बाजपट्टी फाइनली यार टिकट मिल गया, बहुत ही लंबे अरसों के बाद आज मैं लाइन में लगा था, क्योंकि सोच रहा थोड़ा सा फील करके देखते हैं, जैसे तो कतार में कभी लगते ही नहीं, सीधे जाके घुसा के ले लेते, लेकिन आज सोचे कि नहीं कतार में लगना है एकदम डिसिप्लिन वे में, तब जाके टिकट लेना है, आधा घंटा लगा है लेने में लेकिन मज़ा आ गया है ना। फाइनली ट्रेन यहाँ पे ना लगी हुई है, क्योंकि ये ट्रेन यहीं से खुलती है, मुजफ्फरपुर से खुलती है और समस्तीपुर को जाती है, फाइनली सीट मिल जाए खाली मज़ा आ जाएगा, आज तो और 2-2 बैग हो गया पूरा भारी भर ट्रेन, ये जो सामने लगी हुई है इसी तीनों में से कोई है, देखते पूरा भीड़ भाड़ तो अभी हल्का फुल्का है लेकिन देखते हैं आगे, ट्रेन में बैठ गए हैं, 12:25 इसका टाइमिंग है खुलने का, ठीक है सीट भी मिली गया है और भीड़ भाड़ तो उतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रेन हो गया है यहाँ से सीतामढ़ी दरभंगा इधर समस्तीपुर, तो फिर एक दूसरा ट्रेन है 2:30 बजे, तो लोग उतना ये है नहीं, तो नॉर्मल है ठीक ठाक है, कहीं आगे हो जाए मे भी मैटर, देखते कितना बजे टाइम से खुल जाएगी तो 2-2.5 घंटा लगेगा, पता नहीं ये भी ट्रेन लेट हुआ है क्या, 12:25 का टाइम था, 12:31 हो गया लेकिन अभी तक खुला नहीं है, पता नहीं कहीं ऐसा नहीं कि जो आने वाले जब आए थे तब जो हाल था वही यहाँ पे भी हो गया, लेकिन ये तो ट्रेन यहीं से खुलती तो खुल जाना चाहिए, मे बी रूट क्लियर ना हो है ना, खुल रहा है क्या, नहीं अभी तो नहीं है ना, 10 मिनट ऐसे ही लेट हो रहा है। फाइनली ट्रेन खुल गई है, 15 मिनट लेट चल रही है लेकिन खुल तो गई है ना कम से कम है ना, सही है। सीतामढ़ी पहुंच गए हैं, क्योंकि अभी अप्रॉक्स 1.5 आवर लगा है, एकदम ट्रैम से चली रही है बस, बाजपट्टी हमको जाना है अभी, हो सकता है 1/2 घंटा कहीं यहाँ से लगे अगर जल्दी खुल जाए तो है ना, और दिखाते कि यहाँ पे है ना बाहर का कुछ माजरा, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी हुई है, इधर माल ट्रेन से सीमेंट वगैरह उतर रहा है ना, अभी ना शावा तो ट्रेन एकदम पूरा खाली है, पता नहीं इसीलिए मतलब पहले ये सुविधा नहीं था यहाँ से, मतलब मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी था ये लगभग 8-10 साल पहले शायद बना है यहाँ पे है ना, जब मैं सीतामढ़ी था तब ये स्टार्ट हुआ था है ना,
फिर भी 50% लोग टिकट लेते होंगे या नहीं लेते होंगे। कुछ लोग बोल रहे थे एक दो और ट्रेन हो जाता ना तो सही रहता, टिकट लेते नहीं है सरकार का चूना लगाने के चक्कर में लगे रहते भी नहीं। तो जल्दी से खुल गया भाई, कल तो जाने में एकदम ट्रेन ही उधर से लेट से आई थी तो एक घंटा लेट था ठीक है, लेकिन आज तक एकदम पूरा परफेक्ट सही है। वेदर भी एकदम पूरा मस्त है, परफेक्ट है ना। टेम्परेचर यहाँ पे 32 डिग्री अभी है, बाकी सब जल्दी खुल तो जाए कम से कम। फाइनली ट्रेन सीतामढ़ी से खुल गई है 15 मिनट रुकने के बाद। थोड़ा सा जब सीतामढ़ी से निकले ना थोड़ा सा आँख एकदम पूरा लग गया था ठीक है, और जैसे ही बाजपट्टी में गाड़ी रुकी हमको पता नहीं चला, हमको लगा है कि परसौनी में कब भासर में कब रुका है पता ही नहीं चला है। जब बाजपट्टी आई गाड़ी रुकी है तो एक आदमी पूछा कहाँ है, तो भासर में, तो हम रिलैक्स थे। लेकिन फिर वही देख के बोला नहीं नहीं भैया बाजपट्टी है, तो फिर हम अचानक उतर नहीं तो हम चले जाते आगे पुखरी तरफ गजब एकदम। अभी तो फाइनली उतर गए, नहीं तो बस पुपरी से पता है। अब स्टेशन से आ गए बाहर, ट्रेन में मतलब बात करते सुने हैं कभी टिकट चेक ही नहीं करता इसलिए टिकट नहीं लेते हैं ठीक है। और लगभग हम जिस बोगी में थे ना 70% आदमी के पास टिकट नहीं था, तो ये एक हैबिट डेवलप होता चला जाता है ना। और कुछ इस तरह का स्ट्रिक्ट रहता ना ताकि सबको टिकट लेना एकदम पूरा मैंडेटरी हो जाता तो सबके लिए सही रहता, गवर्नमेंट को भी इससे फ़ायदा होता है ना। नहीं क्या करें, जाने दीजिए, जिसका जो हैबिट है यही, कभी पकड़ा जाता है तो बस फाइन पे फाइन शुरू हो जाता है ना। कोई बात नहीं यार, 3 तो बज गया, फाइनली बुलाते हैं किसी को। यहीं पे स्टेशन के पीछे पेपल के पेड़ के नीचे बैठे हूँ, इतना मस्त हवा चल रहा है ना कि क्या बताएं। और मामा के बेटा को बुला रहे किट्टू आ रहा है लाने को, क्योंकि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, धूप तो उतना ही चरम सीमा पे है ना। अब बैग भी 2 हो गया, एक लैपटॉप खरीदे हैं और दूसरा बैग तो यहाँ पे है ही है ना। और एकदम वगैरह भी थोड़ा सा, बाबा हट जाएंगे ना तो नहा करके तो पानी थोड़ा सा पियेंगे, फिर उसके बाद तब जाएंगे, तब तक आ भी जाएगा। एकदम पूरा हरा भरा है हर तरफ, यहाँ पर इतना ज़्यादा चहल पहल रहता था ना कि क्या बताएं। उस समय शायद छोटी लाइन ही थी, क्योंकि लगभग 8-10 साल के बाद इस स्टेशन पे हम लास्ट डे जब यहाँ से जाना था मुजफ्फरपुर तो आए थे लगभग 10 साल के बाद, और बड़ी लाइन तो मेरे सामने में इधर बना है कि नहीं। उस समय होता था जब ट्रेन के छत पे बैठ के एकदम पूरा जाते थे ना, क्योंकि नीचे इतना ज़्यादा भीड़ होता था ना कि क्या बताएं। तो उस समय ट्रेन के छत पे चढ़ के सीतामढ़ी हो गया, ढेंग बरगिनिया वगैरह, या फिर हाँ मुजफ्फरपुर वाला तो हम बड़ी लाइन ही बनी है ना। और इधर एकदम पूरा मज़ा आता था, एकदम पूरा भीड़ हो जाता था। और ख़ास कर जब भी कोई मेला वगैरह रहता था ना ढेंग तरफ तो और ज़्यादा एकदम पूरा लेडीज सब भी छत पे चढ़ जाते, लेकिन अब थोड़ा सब ठीक ठाक है एकदम, क्योंकि बड़ी लाइन में तो ऐसे ही इतना ज़्यादा ट्रेन हो गया कि भीड़ भाड़ तो रहता ही नहीं है ना। इधर रहते हैं बाबा, खाना पीना अपना बना रहे हैं, देख रहे हैं ना पूरा एकदम प्रकोप फीलिंग ऑसम हो रहा है यहाँ पे। चलो रहते हैं प्रोग्राम पे। अरे